Hello dear student, welcome to your channel Swami Vivekanand Techno Tutorial and myself Dr. Rahul Kumar. So बच्चों, जैसा कि last classes में capacitor के बारे में series combination, parallel combination, कुछ questions आप लोगों को कराया था मैंने, जो combination पे series और parallel combination में class 12 physics की बात कर रहा हूँ, तो जिसमें मैंने कि आप लोगों को series और parallel का concept को बताया था और कुछ basic questions आप लोगों को कराए थे. देखिएगा जिसमें आप लोग को ब्रिज का फॉर्म में था, जो बैलेंस ब्रिज था और सिंपल सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट था. सो लास्ट वीडियो को बच्चों आप लोग देख लीजिए. और आज जो हम लोग दो क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती है. तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि इस दोनों क्वेश्चंस में आप लोग को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा. बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत सिंपल वे में आप लोगों को बताने वाला हूँ. देखिएगा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को. देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिए. Find the equivalent capacitance between A and B. मतलब ये जो पॉइंट है A और ये देखिए B, ठीक है, ये दोनों के बीच का equivalent capacitance को find out करना है. तो आप ध्यान से समझिएगा. तो आपको देखो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ना सीरीज में लग रहा है ना पैरेलल में लग रहा है. कुछ 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 भी यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा होगा कि क्या है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है ना. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो समझिएगा ध्यान से. देखिए अब देखिए ये जो वायर कनेक्ट है, ध्यान समझिएगा, यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का जो भी पोटेंशियल होगा, अब ध्यान समझिए, ये वायर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, रेजिस्टेंस है ना कैपेसिटर, कुछ भी नहीं है. देखिए सिंपल एक वायर है, उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ ना रेजिस्टेंस है ना कैपेसिटर है ना, कुछ भी नहीं लगा हुआ. इसका मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ से जो वायर कनेक्ट है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा. तो मैं आप लोगों को पॉइंट मान लेता हूँ, वन पॉइंट है ये, सपोज टू पॉइंट है, ये आपका पॉइंट थ्री हो गया, ये पॉइंट जो है फोर हो गया और ये पॉइंट फाइव हो गया. ठीक है, तो ध्यान से समझिए. देखिए ए पॉइंट के साथ में वन पॉइंट और ये देखिए इसके साथ में जा रही है थ्री पॉइंट. मतलब यदि हम बेसिक समझें कि ए वन और ये थ्री, देखिए सब एक ही पॉइंट पे है, एक ही पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है. इसको सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं कि सेम पोटेंशियल मेथड. इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम पोटेंशियल मेथड. पोटेंशियल मेथड मतलब पोटेंशियल को जहां जहां पर सेम होगी उसको सिंपली एक पॉइंट कंसिडर किया जाएगा. तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, ए वन और थ्री जो वायर कनेक्टेड है, देख सकते हैं ए वन थ्री सेम पॉइंट पे है. तो इसको हम लोग मान के चलेंगे कि सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल. आगे बढ़िए. अब देखिए जो ये वायर कनेक्टेड है, देखिए टू फोर, अब ध्यान समझिएगा, ये टू फोर, देखिए यहाँ पर फिर से कनेक्शन किया गया फोर और फाइव, मतलब टू फोर फाइव, टू फोर फाइव. तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या है, टू है फोर है और ये फाइव है, ये सेम पोटेंशियल में है. टू है फोर है और फाइव है, ये भी क्या है, सेम पोटेंशियल में है. अब आते हैं आगे. अब देखिए फाइव और बी, फाइव और बी, तो मान के चलते हैं बी पॉइंट यहाँ पर है. अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं सेम पोटेंशियल. तो देखिए आप समझिए, वन और टू के बीच में, देखिए तो वन पॉइंट और ये टू के पॉइंट, ये वन और टू के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है. तो देखिए वन और टू के बीच में, तो मान लेते हैं ये वन पॉइंट है और ये टू पॉइंट, ये तो पूरा एक ही पॉइंट होगा, कहेंगे टू पॉइंट है. तो वन और टू पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर हम लोग यहाँ पर लगा हुआ है, जैसा कि वन और टू के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है. अब ध्यान समझिएगा, टू और थ्री के बीच में भी देखिए एक कैपेसिटर लगी हुई है. देखिए टू पॉइंट, इधर टू और थ्री के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो टू और थ्री के बीच में भी एक कैपेसिटर है. तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं, दोनों तो एक ही पॉइंट है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया. शॉर्ट सर्किट हो जाने पर ये जो कैपेसिटर होगा, ये कैपेसिटर हम लोग का शॉर्ट हो गया, इसका कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे. ये दोनों जो कैपेसिटर देख रहे हैं, दोनों के बीच में फोर एंड फाइव के बीच में शॉर्ट हो गया, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा. अब देखिए फाइव और बी, तो फाइव यहाँ पर है, तो फाइव और बी के बीच में एक कैपेसिटर है. ठीक है, तो आप लोग को सर्किट देखकर समझ नहीं गया होगा कि क्या है. ये पॉइंट हम लोग का ए है, देखिए तीनों क्या है, सी सी सी, ये तीनों क्या है, पैरेलल में लगा हुआ, ये तीनों क्या है, पैरेलल में. तो पैरेलल में हम जानते हैं कि कैपेसिटर के केस में पैरेलल में क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालने के लिए. तो ये तीनों कैपेसिटर के लिए हम पैरेलल का बात करेंगे तो क्या सी प्लस सी प्लस सी थ्री सी. ठीक है, तो अब जो है कि पैरेलल का बात, हम लोग का सर्किट जो होगा वो कैसे बन जाएगी, देख सकते हैं. सिंपल सिंपल क्या बन जाएगी, ये आप लोगों का ये सिंपल ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट, ये कितना हो जाएगा थ्री सी और ये सी. तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में सीरीज में आ गया, तो सीरीज में आ गया तो सी एस वन बाय सी एस इज इक्वल टू क्या होगा, सीरीज के केस में वन बाय थ्री सी प्लस वन बाय सी और दैट इज 4 by 3C. तो सीरीज में हम लोग का निकल गया
और देखेंगे कि उसके बीच में क्या कैपेसिटर का वैल्यू हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका इस आप लोगों को यदि याद होगा लास्ट बार में मैंने बताया था ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उस समय क्या था कि रेशियो बैलेंस ब्रिज था। जब बैलेंस ब्रिज हो जाता है तो इस जो हम लोग देख रहे मिडिल में, तो इससे होगा कि कोई भी हम लोग का करंट कोई भी चार्ज हम लोग फ्लो नहीं होगा, मतलब ये जो होगा पोटेंशियल यहाँ पर हम लोग का जो होगा, देखिए जब सेम यहाँ पर हो जाएगा रेशियो, उसको बैलेंस करते हैं, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। मतलब सिंपल देखिए तो सी है, ये टू सी है, ये टू सी और ये सी है। तो इस जो देख रहे हैं इस सर्किट को हम लोग क्या ऐसा नहीं बना सकते हैं बैलेंस ब्रिज के फॉर्म में, देखिए इसको हम लोग रिड्रॉ कर सकते हैं इसे, जैसे बताया था मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में, तो हम लोग इसको जो है कि रिड्रॉ कर सकते हैं कैसे, ध्यान समझिएगा। ये सर्किट को हम लोग ऐसे रिड्रॉ कर सकते हैं एक ब्रिज के फॉर्म में। मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, लेकिन वो बैलेंस था। लेकिन जब अनबैलेंस ब्रिज हो, ये कौन सा ब्रिज हो गया, बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस के केस में जो होगा थोड़ा सा हम लोग को अच्छे से समझना होगा कि क्या किया जाएगा, क्योंकि बैलेंस जब रहता है कुछ नहीं, इसको हटा देते हैं। बैलेंस के केस में क्या किए थे, बस इसको रिमूव कीजिए, ऊपर वाला सीरीज में आ गया, नीचे वाला सीरीज में आ गया, फिर दोनों पैरेलल में आ गए, बहुत सिंपल था। लेकिन यदि अनबैलेंस हो जाएगा तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। अब क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये कौन सा ब्रिज हो गया, देखिए यहाँ से सी है, ये आपका ये टू सी हो गया, और फिर ये टू सी है, और ये आपका फिर टू सी दिया हुआ है और सी। तो देखिए रेशियो आप निकाल सकते, देखिए सी बाई टू सी, देखिए आप रेशियो भी निकालिएगा, देखिए आप रेशियो निकालिएगा, क्या समझिए, देखिए रेशियो निकालिए सी बाई टू सी इज इक्वल टू 2c by c, तो क्या बराबर है, नॉट इक्वल, ये क्या इक्वल नहीं है। इस टाइप का ब्रिज को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस ब्रिज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस ब्रिज कहते हैं, अनबैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, जब अनबैलेंस हो जाएगा तब हम लोग चार्ज, चार्ज का कॉन्सेप्ट में चार्ज का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लगाएंगे लूप रूल, जो कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़िएगा तो और क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी भी बताऊंगा कि आप लोग कोई आराम से आप लोग बना सकते हैं। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जब बैलेंस नहीं हो, अनबैलेंस हो, तो देखिए क्या करना होगा। सबसे पहला तो हम लोग को जो करना होगा, आप एक इमेजिनरी सोर्स सपोज दैट मान के चलिए कि आप लोगों ने बैटरी को कनेक्ट करनी है, मान के चलिए कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में हम लोगों ने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, समझिए ध्यान से क्या किया हम लोगों ने कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हम लोगों ने देखिए एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया वहां पर, बैटरी को। ठीक है, अब देखिए यहां से जो हम लोग का चार्ज होगा, चार्ज मान लेते हैं कि ये क्यू चार्ज फ्लो कर रही है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये वाला जो होगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इस प्लेट में जो हम लोग का चार्ज होगा वो मान लेता हूँ कि प्लस क्यू वन होगा। ठीक है, प्लस क्यू वन। अब यहाँ से फिर जो सेकंड जो हम लोग का प्लेट देख रहे हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्लस ये क्यू टू चार्ज होगा, प्लस क्यू टू चार्ज होगा। तो इसका अपोजिट वाला जो चीज का जो सामने जो प्लेट देख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ये देखिए इधर नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ, देखिए यहाँ से नेगेटिव से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव का बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब पॉजिटिव इस प्लेट में जब पॉजिटिव आएगा तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही होगा कि जो नेक्स्ट प्लेट होगा, जो अदर प्लेट होगा, वहां पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्यू वन। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग का नेगेटिव कनेक्शन है, देखिए नेगेटिव कनेक्शन है, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर अब बात आती है कि आप लोग को मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर सी, यहाँ पर क्यू, क्यू वन कहाँ पर होगा, क्यू टू कहाँ पर होगा। तो सिमेट्री, यहाँ पर हम लोग सिंपल बात करेंगे सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, मतलब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर सी जब था तो क्यू वन लिया था, और जब यहाँ पर टू सी है, टू सी कैपेसिटर कौन सा है, टू सी, तो क्यू टू लिया था। तो इस केस में भी इधर इस साइड में भी आप लोग को वही कंसिडर कीजिए, यहाँ पर जब टू सी है तो देखिए ध्यान से नेगेटिव है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए ये कनेक्शन कहाँ पर किया गया, नेगेटिव पे किया गया, समझिएगा नेगेटिव है, तो नेगेटिव प्लेट यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ये आपका Q2 हो जाएगा, और ये आपका प्लस Q2 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर माइनस आपका Q1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस आपका Q2 हो जाएगा, सॉरी Q1 हो जाएगा। ठीक है, Q1 इसीलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर C के लिए Q1 लिया, यहाँ पर 2C के लिए हम लोगों ने Q2 लिया हो। तो देखिए चार्ज का पहले तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर जो देख रहे हैं 2C के केस में, यहाँ पर जो हम लोग का नेट चार्ज आएगा, यहाँ पर जो हम लोग का चार्ज आ रहा है, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर Q3 है, क्या है, आपका Q3 है, तो अपर प्लेट को पॉजिटिव मान लीजिए, अपर नीचे का नेगेटिव मान लीजिए। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्लस नहीं माइनस है, यदि आप माइनस भी ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप लोग फाइनल निकालिएगा तो वहां पर तो आपको जो होगा उसका जो क्वालिटी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान के चलिए आपका प्लस है और आपके यहाँ पर माइनस क्यू थ्री है, प्लस क्यू थ्री है और आपके यहाँ पर क्या है, ये प्लस क्यू थ्री और ये आपका माइनस क्यू थ्री। तो सबसे पहले आपको समझना होगा जब अनबैलेंस नहीं रहे ब्रिज क्या हो, अनबैलेंस आपका सॉरी बैलेंस नहीं रहे, अनबैलेंस ब्रिज हो। जब अनबैलेंस ब्रिज हो तो आपको बस सिंपल सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना होगा, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल है। हमारा बैटरी इमेज मान के चलिए कि मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया हूं, ये क्यू चार्ज यहां से जा रही है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहां पॉजिटिव है तो इसलिए मैंने पॉजिटिव रखा, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर से जा रही है नेगेटिव क्यू टू, क्यू सी के लिए क्यू टू, देखिए यहां पर
ठीक है। अब देख यहाँ पर जो चार्ज जाएगी इसको मान के चल रहा है क्यू थ्री है, ठीक है। ये जो है बीच में जो चार्ज है मान के चल रहा हूँ क्या क्यू थ्री है। तो इसका आप लोग जो है कुछ नाम दे सकते हैं कि ए बी हो गया, तो इसको ले लीजिए ये सी हो गया और आपका ये डी हो गया, सी डी ए बी सी डी, ठीक है। तो देखिए अब इसको क्या है कि सॉल्व कैसे करें, सिंपल सा बात है। देखिए सबसे पहला तो आप समझिए कि जो चार्ज हो रहा है यहाँ पर जो चार्ज हम लोग क्यू दे रहे हैं, पहला जो हम लोग का क्यू वन और प्लस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू, जो हम लोग यहाँ पर जो चार्ज है वो क्यू वन प्लस क्यू टू। अब बात आती है कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो देखिए लूप रूल लगाना पड़ता है, केवीएल जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स का लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ जो है कि आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो है कि पढ़िएगा, अभी मैं आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल सा लूप में हम लोग देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट को, और लूप लगा करके हम लोग वोल्टेज टोटल कितना हम लोग का वोल्टेज हो रहा है, मतलब अल्जेब्रिक सम कोई भी लूप में क्लोज लूप, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला लूप को देखिए, ये जो लूप घूम रही है ये वाला लूप है ना, ए सी डी ए मतलब ए सी डी ए, ये वाला लूप को देखेंगे, ये वाला लूप को ये क्या है क्लोज लूप है। इसके अंदर में कितना हम लोग का पोटेंशियल कितना हम लोग का ईएमएफ होगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे सेकंड लॉ जिसको बोलते हैं, जिसको केवीएल भी कहते हैं, हम लोग यहाँ पर सिंपल क्या लगाएंगे केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, यहाँ पर केवीएल जो हम लोग को पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अप्लाई अप्लाई केवीएल, ये तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं, क्या कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या लूप रूल भी कहते हैं, लूप रूल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़िए ना। हाँ, और यदि आप लोगों को अभी फिलहाल जानकारी चाहिए तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिकल चैनल भी है, इसका मैं लिंक जो है कि ये जो केवीएल का जो लिंक है मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केवीएल किरचॉफ्स लॉ का जो लिंक है मैं आपको डाल देता हूँ, वहां से जाकर के आप केवीएल को देख सकते हैं। जब तक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई नहीं होता तो इलेक्ट्रिकल जो चैनल है मैं वहां पर अपलोड कर चुका हूँ वीडियो को, तो वहां से भी देख सकते हैं। देखिए अप्लाई केवीएल लूप रूल, सो लूप रूल में क्या होता है कि देखिए ध्यान समझिए ये वाला कॉन्सेप्ट को, ये कैपेसिटर है आपका, ये कैपेसिटर देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, देन ध्यान समझिएगा ये कैपेसिटर है अगर नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यदि हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब पोटेंशियल फॉल हो रही है, तो उस समय जो हम लोग लेते हैं उस समय हम लोग क्या होता है पोटेंशियल माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस भी लेते हैं, अब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो प्लस भी लेते हैं, तो सेम टू सेम हम लोग जो है इस लूप में देखिए ध्यान से ए वाले लूप में, ए वाले लूप में ए सी डी ए, इस लूप में यदि हम लोग सिंपल एक केवीएल लगा लेते हैं तो देखिए इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, इस लूप में यदि हम लोग केवीएल लगा लेते हैं तो बात को समझिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए टोटल मैंने क्या मैं क्या बोल रहा हूँ केवीएल में क्या होता है कि जो नेट डेल्टा हम लोग क्या ले सकते समेशन टोटल जो टोटल वोल्टेज होगा टोटल जो वोल्टेज ठीक है इक्वल टू जीरो होती है, ठीक है। सम ऑफ ईएमएफ जितना भी ईएमएफ होगी कोई भी क्लोज लूप में वो क्या होता है वो जीरो होता है, वो जीरो होता है। तो यहां पर भी हम लूप का बात करेंगे तो हम लोग ले लेते हैं लूप, देखिए ए सी डी ए लूप ए सी डी ए लेते हैं, ठीक है। अब इस लूप में देखिए तो ध्यान से यहाँ पर चार्ज कितना है क्यू वन है, समझिए बात, तो हम लोग कैसे घूम रहे हैं, अब जैसा भी घूमिए आप क्लॉकवाइज घूमिए एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, मान के चलते हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, थोड़ा छोटा हो गया, हम मान के चलते हैं कि हम लोग ऐसा घूम रहे हैं क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे घूम रहे हैं है ना पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या चार्ज क्यू वन, तो क्या होगा फॉर्मूला बताइए आप लोग को, क्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्यू इक्वल टू सी वी, तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी, तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल का बात करते हैं, तो पोटेंशियल क्या क्यू वन लेकिन माइनस होगा, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो माइनस क्यू वन बाई सी, क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़िए अब नीचे जाए, देखिए नीचे जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, ध्यान रखिए पॉजिटिव यहाँ पर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या चार्ज क्या है क्यू थ्री है, तो माइनस क्यू थ्री और कैपेसिटर का वैल्यू कितना है टू सी, आगे बढ़िए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस क्यू टू बाई कैपेसिटर का वैल्यू कितना है टू सी इज इक्वल टू जीरो, तो उसका एलसीएम लीजिएगा तो टू सी को माना जाएगा टू सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो माइनस टू क्यू वन माइनस आपका हो जाएगा क्यू थ्री और प्लस ये क्यू टू इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन बनते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को क्या है एक्चुअली हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग का एक्चुअली निकालना क्या है कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है, और कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग तब निकल जाएगा हम लोग का चार्ज का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। चार्ज का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखिएगा, ध्यान समझिए अब एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, यदि इसको आप ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं आपको जो है कि यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, यदि आप ये प्लेट को लीजिएगा देखिए तो इसको ले लिया ये इसको ले लिया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से समझिए, तो ये जो प्लेट आप लोग देख रहे हैं ये प्लेट की आइसोलेटेड है, देखिए तो किसी से कनेक्शन है एयर, ये तो मीडियम एयर है यहाँ पर, आप यदि इस एसिस टाइप से कंसीडर कीजिएगा तो तीनों प्लेट अलग है कि नहीं, और हम लोग क्या जानते हैं लॉग का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा चार्ज है, देखिए ध्यान से माइनस क्यू वन, यहाँ पर कौन सा चार्ज है माइनस क्यू वन, आगे बढ़िए यहाँ पर देखिए तो कौन सा चार्ज है प्लस क्यू टू, क्या चार्ज है प्लस क्यू टू, यहाँ पर देखिए कौन सा चार्ज है प्लस क्यू थ्री, तो ये आपका तीन कैपेसिटर आप लोग देख रहे हैं तीन प्लेट, ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तीनों आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया तो हम लोग जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड फॉर एन, यहाँ पर फॉर एन आइसोलेटेड, समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
आइसोलेटेड सिस्टम तो टोटल चार्ज माइनस क्यू वन हो गया प्लस क्यू टू हो गया और प्लस क्यू थ्री इक्वल टू जीरो इक्वेशन हमारा थर्मल ठीक है। तो देखिए हम लोग के पास तीन इक्वेशन आ गया है क्यू वन क्यू टू ये वाला इक्वेशन है क्यू वन क्यू टू इक्वल टू क्यू एक इक्वेशन यहाँ पर देखिए ये दूसरा नंबर ये आपका तीसरा नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या है जो कैपेसिटर में चार्ज हम लोग कंसिडर किए क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री ये तीनों का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग के पास तीन इक्वेशन है हम लोग के पास तीन इक्वेशन मानते हैं एक्स वाई जेड हम लोग जानते हैं सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल मान के चल रहे हैं। तो आप लोग हैं प्लस टू के स्टूडेंट है तो आप लोग को मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आप लोग समझ गए होंगे। तो क्रैमर रूल से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जब भी तीन इक्वेशंस का बात आती है तो क्रैमर रूल डिटरमिनेंट मेथड से आसानी से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं भी पता है तो मैं आप लोग को बता देता हूं आप लोग दो मिनट में समझ जाइएगा और बहुत ही बेसिक। सो देखिए सॉल्विंग वन टू एंड थ्री मेथड को भी लगाइए मैं आपको क्रैमर रूल से बता देता हूं। तो क्रैमर रूल में क्या करते हैं जैसे कि हम लोग के पास तीन इक्वेशंस रहता है ठीक है। देखिए पहला इक्वेशन है हम लोग क्या यहाँ पर मान के चल रहे हैं क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री ठीक है। पहला इक्वेशन है Q1 Q2 Q3 का वैल्यू कुछ है नहीं है जीरो है ठीक है। देखिए हम लोग लिखते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में ध्यान से समझिएगा Q1 का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है 1 है Q2 का क्या है और Q3 का यहां पर पहला वाला है जीरो है। सेकंड जो इक्वेशन पे आइए तो Q1 के पास में क्या है कोएफिशिएंट में 2 है ध्यान से समझिए Q2 का वैल्यू क्या है 1 है Q3 का कोएफिशिएंट 1 है Q3 का क्या है -1 है। आगे बढ़िए 3 पे आइए यहां पर क्या है -1 है यहां पर क्या है 1 है यहां पर क्या है 1 है ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है Q1 है और Q2 है और यहां पर Q3 है और जब ये मैट्रिक्स में हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर क्यू है देखिए क्यू है और ये सब में जीरो जीरो है जीरो और ये जीरो ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे ठीक है। क्रैमर रूल से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं किससे क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल में हम लोग क्या करते हैं जो वैल्यू निकालेंगे Q1 तो डेल निकालेंगे पहले डिटरमिनेंट क्या निकालेंगे सबसे पहले डेल्टा डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए डिटरमिनेंट जब भी निकालते हैं ध्यान से देखिएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ 1 1 0 है -2 1 -1 -1 1 1 ठीक है। डिटरमिनेंट मेथड से सिंपली आप लोग कोई भी रो और कोई भी कॉलम को कंसीडर कीजिए मान के चलिए कि मैं ऊपर वाला जो है रो को ले रहा हूँ ठीक है। तो ऊपर वाला रो को जब लेते हैं तो क्या करते हैं 1 है तो इसको हम लोग क्या ढक देते हैं ठीक है। मैं उत्तर डिटेल मैथमेटिक्स में नहीं आऊंगा इसलिए आप लोग जो है इसको समझ जाइएगा। तो मैं जब 1 को ले रहा हूँ तो देखिए इसको ढकते हैं इसको ढकते हैं इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1 और इधर जाने पर माइनस तो 1 × 1 और -1 सो 1 + 1 यहाँ पर आइए यहाँ पर क्या माइनस है माइनस यहाँ पर हम लोग क्या प्लस माइनस प्लस तो मैं क्या होगा माइनस है माइनस तो आप देखिए इसको हम ढक देते हैं इसको ढक देते हैं तो -2 -1 तो -2 हो गया -2 हो गया आपका माइनस तो क्या हो जाएगा 2 और +3 +3 तो ये वैल्यू हम लोग को 5 आ गया क्या आ गया 5 मतलब जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आया वो 5 आया ठीक है। आप करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं डेल वन निकालते हैं मतलब डेल्टा वन का मतलब इस वैल्यू को हम लोग पहला कॉलम में रखेंगे तो डेल वन होगा इस वैल्यू को दूसरे कॉलम में रखेंगे तो डेल टू होगा इस वैल्यू को तीसरे में रखेंगे तो आपका डेल थ्री होगा। तो चलिए हम लोग पहले इसको निकालते हैं वहां पर मैं बता रहा हूँ आप इसको डेल आ गया है हम लोग डेल वन निकालते हैं तो डेल वन के लिए मैंने क्या बताया कि ये जो कॉलम है इसको हम लोग कहां रखेंगे पहले वाले में रखेंगे तो डेल वन इसको देखिएगा ध्यान से ये क्यू हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो हो जाएगा 1 1 और ये 1 0 माइनस 1 और ये 1 ठीक है। अब हम लोग डेल वन का वैल्यू निकाल लेते हैं किसका डेल वन का तो देखिए डिटरमिनेंट में पढ़े तो ठीक है तो कोई सिंपल सा बात है जो 0 0 रहता है जिस रो कॉलम में हम लोग उसको ज्यादा कंसिडर करते हैं लेकिन हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहेंगे आसानी से यही निकलेगा इस कॉलम को ले लीजिए तो देखिए यहाँ पर क्यू है अब डिटरमिनेंट निकालिए इसको ढकिएगा तो 1 × 1 1 × 1 तो 1 हो जाएगा और माइनस इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाती है तो +1 ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2q ये क्या निकल गया हम लोग डेल 1 क्या निकल गया डेल 1। तो देखिए डेल 2 भी निकाल सकते हैं सिमिलरली तो डेल 2 क्या है डेल 2 का मतलब हम लोग 1 1 -2 -1 और यहाँ पर हो जाएगा क्यू 0 0 और 0 -1 1 इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से कुछ नहीं सिंपल 1 ले रहे हैं देखिए हम लोग जो 1 को लेंगे ऐसे ढक देंगे ऐसे ढक देंगे तो 0 × 0 0 हो गया यहाँ पर कुछ नहीं हुआ क्यू तो प्लस माइनस मैंने बताया -q ठीक है। यहाँ पर देखिए ढक देते हैं इसको ढक देते हैं तो -2 -2 -+ और फिर इधर से माइनस होता है ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3q क्लियर। अब आते हैं डेल्टा 3 तो डेल्टा 3 में क्या हो जाएगा 1 है -2 है -1 है 1 1 1 और ये आपका क्यू 0 0 ठीक है। आप लोग कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तीन को तीन एक्स तीन का वैल्यू निकालना Q1 Q2 Q3 मैं बता रहा हूँ सिंपल क्योंकि यदि आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो बहुत सिंपल तरीके से आपको बन जाएगा। तो देखिए मैं ये कॉलम को ले लेता हूँ ना तो ये प्लस प्लस क्यू है तो यहाँ से जब क्यू को लेते हैं तो ढक देते हैं तो -2 ये -2 तो ये आपका प्लस हो गया तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा -q क्या आ जाएगा -2 तो ये -q सही है Q1 Q2 Q3 ठीक है और 2Q 3Q है -2 तो देखिए क्रैमर रूल में हम जब निकालते हैं Q1 का वैल्यू क्या निकालेंगे Q1 तो ये होता है delta 1/del तो delta 1 का वैल्यू पता चल गया 2Q और delta 1 तो 5 है ही। अब आते हैं Q2 का वैल्यू तो Q2 delta 2/del तो delta 2 का वैल्यू हम लोग पता चल गया है 3Q / 5 हो गया
सिमिलरली क्यू थ्री निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, डेल्टा थ्री बाई डेल निकालेंगे, मतलब माइनस क्यू बाई फाइव। तो ये हमारा क्यू वन क्यू टू वन क्यू थ्री का वैल्यू देखिए निकल चुका है, ठीक है। अब देखिए ये सब का जो वैल्यू निकल गया तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मान के चलता हूँ कि सी इक्विवेलेंट, हम लोग का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सी मान लेते हैं, सी इक्विवेलेंट मान लेता हूँ। तो देखिए जो मैंने रेड किया हुआ हूँ, यहाँ से हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग इस लूप को ले लेते हैं, मतलब यहाँ का जो प्रोटोकॉल, देखिए यहाँ से ई ए पॉइंट से ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ये देखिए वोल्टेज का जो भी वोल्टेज लगा हुआ है, ये देखिए ध्यान से ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लगाएंगे, सिंपल सा बात है, मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल होगा, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा तो भी भी मतलब सिंपल क्या है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज क्यू हो गया, टोटल कैपेसिटर को सी इक्विवेलेंट माने हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से, प्लस माइनस मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला डेल वी इक्वल टू जीरो वही कर रहा हूँ मैं इस रूप में। देखिए बाहर वाला जो रूप देख रहे हैं, यहाँ से घूम करके जो ये वाला रूप देख रहे हैं, इस रूप में हम लोग डेल वी इक्वल टू जीरो लगा रहा हूँ, टोटल पोटेंशियल उसको जीरो कर रहे हैं, ठीक है, जीरो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्या किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। यहाँ पर देखिए क्यू टू यहाँ पर क्या, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू टू बाई टू सी हो जाएगा, तो इक्वल टू लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, Q2 by 2C हो जाएगा, और इधर क्या है देखिए तो Q1, so यहाँ पर Q Q1 by C हो जाएगा। वैल्यू को पुट कीजिए, Q2 का वैल्यू देखिए 3Q by 5 है ना, 3Q by 5 मतलब 3Q by 10C हो जाएगा, और Q1 का वैल्यू देखिए 2Q by 5 है, क्या है 2Q by 5, so 2 Q by ये आपका हो जाएगा 5C, इस वैल्यू से देखिए 10C हो गया, तो आपका 3Q ये 3Q हो गया और ये आपका 4Q हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि Q by C equivalent is equal to 7 Q by 10 और आपका ये C, तो Q Q तो कैंसिल हो गया, Q Q तो कैंसिल हो गया, तो इसलिए सीधा करके लिख देंगे, तो हम लोग का C इक्विवेलेंट देख सकते हैं, जो C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आपका हो जाएगा 10 C by 7, 10 C by 7, तो C इक्विवेलेंट जो आया है, जब अंदर बिल्ड का बात करते हैं देख सकते हैं 10 C by 7 आया है, इसकी नोट लीजिए इसका पहले, ठीक है। तो देखिए मैंने जो बताया आपको दो बेसिक क्वेश्चन बताया, एक था कि अनबैलेंस ब्रिज के केस में, एक था कि पोटेंशियल को सेम करके कैसे बनाना है, ठीक है, और इस सबको थोड़ा अच्छे से बनाइए। हाँ मैं आप लोग बता देता हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि आप लोग क्रेमर रूल ही लगाए, आप लोग कोई भी रूल लेकर लगा करके वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए बता दिया क्योंकि यदि आप लोगों को क्रेमर रूल बहुत आसान है और गलती होने का चांस बहुत कम रहता है, इसलिए बहुत सिंपल टेक्निक से मैंने क्रेमर रूल बता दिया हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक है, इसलिए इसको फॉलो कीजिएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग इसको क्वेश्चन बना रहे होंगे, मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, और थोड़ा सा मन से पढ़िए, देखिए कैपेसिटर जो अभी है इसमें और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, बाय, लव यू, टेक केयर।